जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अब्दुल रहमान लैंड होल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। पहली वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा फीडबैक आप दोस्तों की तरफ से आया, अलहमदिल्ला बहुत सारे दोस्त हैं, आपने कॉल करके भी अप्रिशिएट किया। व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है बैरिया ऑर्चर्ड। बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर चार फेजेज हैं टोटल, जिसमें फेज वन है, टू है, फेज थ्री और फेज फोर है। इसमें सबसे पहले हम फेज वन को डिस्कस कर लेते हैं। फेज वन के अंदर 10 मल्ला और 5 मल्ला की कैटेगरी है, एलडीए से अप्रूव एरिया है, गैस अवेलेबल है और ऑलमोस्ट 40-60% कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है। इसी तरह फेज टू है, फेज टू के अंदर 5 मल्ला और 8 मल्ला के प्लॉट्स हैं और सारा ओवरऑल हर जगह पे पोजेशन अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स के अंदर घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इसी तरह फेज थ्री है, फेज थ्री के अंदर भी ओवरऑल पोजेशन है और कुछ 10 से 12 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे फेज फोर के बारे में। फेज फोर मैं समझता हूँ इस टाइम के बड़ा पोटेंशियल वाला एक फेज है, जिसके अंदर 10 मल्ला और कनाल की कटिंग है। अभी रिसेंटली बैरिया ने कुछ 5 मल्ला के प्लॉट भी फेज फोर के अंदर लिए हैं। इन प्लॉट्स में अट्रैक्शन ये है कि ये वह प्लॉट हैं जो बैरिया ने ट्रिपल स्टोरी जिनके ऊपर अलाउ किया। अभी रिसेंटली इसके अंदर कुछ होम्स के नाम से भी प्रोजेक्ट आया था। तो अगर हम प्राइस वाइज इन सारे फेजेस का कंपैरिजन करें, तो जो फेज वन है, फेज वन के अंदर 5 मल्ला का प्लॉट 35 से लेके 40 के दरमियान है और 10 मल्ला का को 55 से स्टार्ट होता है और 70 तक जाता है। इसी तरह फेज टू के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें प्राइसेस का, तो फेज टू के अंदर 18 लाख से 5 मल्ले का प्लॉट स्टार्ट होता है, जो मैं समझता हूँ कि शायद रायवन रोड के ऊपर सबसे लोएस्ट रेंज में बैरिया के डेवलपमेंट के साथ प्लॉट्स हैं। इसी तरह जो 8 मल्ले का प्लॉट है, वो 27 से स्टार्ट होता है और 50 तक जाता है। जब हम फेज थ्री की तरफ आते हैं, तो फेज थ्री के अंदर 32 से लेके 40-45 का रेट है 8 मल्ले का, और फेज फोर के अंदर 38 से 10 मल्ले का प्लॉट स्टार्ट होता है, जो कि फुल डेवलप प्लॉट पोजेशन के साथ है। इसी तरह कनाल के अगर प्लॉट्स की बात की जाए फेज फोर के अंदर, तो वो भी कुछ 70 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है। ये ओवरऑल व्यूअर्स ब्रीफिंग थी बैरिया ऑर्चर्ड से रिलेटेड। फर्दर मजीद वीडियोस के अंदर ब्लॉक वाइज हम इनकी प्राइसेस और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली बेल आइकॉन को लाइक करके हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।